तुलसीदास जी महाराज के सामने साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए और कहा कि आपकी निश्चल भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, कुछ मांगिए। तब तुलसीदास जी महाराज दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि हमारे दर्शन हो जाए, और जब हम प्रसन्न हो जाते तो जरूर हम दिए बिना जाते नहीं है, जरूर आपको कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। तब तुलसीदास जी महाराज दोनों हाथ जोड़कर राम जी से पहले मांगते नहीं है, पहले कहते हैं कि मुझे ये चीज नहीं दो। चहो न सुगति सुमति संपत्ति दाता, प्रभु अगर आप मेरे पे प्रसन्न है, आप मुझे देना चाहते हैं, तो मुझे सुगति नहीं देना, माने मुझे कोई अच्छा लोक भी नहीं देना। चाहो न सुगति सुमति, मुझे अच्छी मति भी नहीं देना, मुझे सद्बुद्धि भी नहीं देना। हम तो कहेंगे तो विपरीत मांग रहे तुलसीदास जी महाराज, हम तो हमेशा सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे तो भी कहेंगे ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, मुझे अच्छी मति दो। लेकिन तुलसीदास जी महाराज आज क्या मांग रहे, मुझे अच्छी मति भी मत देना। चहो न सुगति सुमति संपत्ति, मुझे संपत्ति भी नहीं देना, मुझे सुख सुविधा भी नहीं देना। प्रभु ने क्या कहा था, कुछ मांगो, और आज तुलसीदास जी मांग रहे हैं अच्छी मति नहीं चाहिए, अच्छा लोक नहीं चाहिए, अच्छी गति नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि फिर क्या दूं मैं तुझे। तब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आपकी बड़ी कृपा है, तो बस मुझे अपने चरणों की सुदृढ़ भक्ति दीजिए, अपने चरणों में मेरा अनुरागा भक्ति जग जाए, उसी अनुरागा भक्ति के फल से मैं इस भव सागर से तर जाऊं। क्या विशाल मति के दाता तुलसीदास जी महाराज, भगवान देने के लिए आतुर है, लेकिन वो आज कहते हैं कि देना है तो केवल और केवल आपके चरणों की भक्ति दीजिए। ये है सच्चे भक्त की परिभाषा, नहीं कि अपना उल्लू स्वार्थ सिद्धा करने के लिए गुरु जी की आड़ में, अपने परिवार की आड़ में हम किसी की श्रद्धा पे छल से कपट से छीने, वो धर्म से विरुद्ध है। तो हम न पाप करें और ना करने दें, आज हम अपनी मति को ऐसा विकसित करें, ऐसा सुदृढ़ बनाएं कि हम अपने विवेक के साथ समझ ले कि कौन हमारा हितेशी है और कौन हमारा शत्रु है। शत्रु ही कहेंगे, उनके लिए तो शत्रु शब्द भी कम पड़ जाता है। शास्त्रों में तो कहा है कि एक बार अगर कोई शिष्य सद्गुरु की नजरों में आ जाता है, अगर ऐसे शिष्य को कोई कहीं भ्रमित करता है तो उनको कितना पाप लगता है, उनके लिए शास्त्र में भी कोई शब्द नहीं है, कोई वचन नहीं। उनको नीच कहे तो नीच लोग भी नाराज हो जाएंगे कि ऐसा निज कार्य तो हमने भी नहीं किया कि कोई समर्थ सद्गुरु के श्री चरण से श्रद्धा हटाकर हम किसी और प्रलोभन देकर के किसी को हम कहीं और ले जाए, ये तो बहुत ज्यादा ही पाप है। किसी को निज कहेंगे तो निज लोग भी नाराज हो जाएंगे, और पापी कहे तो पापी शब्द छोटा पड़ जाएगा, अभागे कहे तो अभागे लोग भी नाराज हो जाते हैं। कोई सद्गुरु के श्री चरणों से किसी को अलग करना, जैसे एक छोटे से बच्चे को अपनी माँ से अलग करे तो कितनी पीड़ा होती है। एक माँ तो इस नश्वर तन को पोषती है, पालती है, उस माँ से अगर कुछ क्षण के लिए भी बच्चे को दूर कर दिया जाए तब भी वो बच्चा तड़पता है। और ऐसे सामर्थ्यवान सद्गुरु के श्री चरणों से अगर शिष्य को भ्रमित करके अलग करते हैं तब कितनी पीड़ा होती होगी उस सद्गुरु को। शिष्य तो नादान है, ऐसे सद्गुरु के दिल को हम चोट न पहुंचाए, हम स्वयं अपने जिम्मेदार रहे। जब हमने शास्त्र को सुन लिया, सद्गुरु देव के ज्ञान को समझा सुना, उसके बाद भी हम कहीं जाते हैं तो ये कलंक है हमारे शिष्य धर्म पे। सुबह जैसे नियम करते हैं उस समय अहो भाव से गुरुदेव के श्री चरणों का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि हे सद्गुरुदेव, हमको वो मति दो, वो गति दो कि जिनमें हमको सूझबूझ मिल जाए और हमारा विवेक जागृत हो जाए, क्या सत्य है क्या असत्य है। कोई कितनी भी निंदा कर ले, कोई
कितना भी कह ले, लेकिन आपके श्री चरणों में जो हमारी भक्ति है, अनुरागा भक्ति है, उससे हमारा मन एक क्षण भी विचलित ना रहे। जब प्रसंग भक्तों के जीवन से सुनते हैं कि भक्तों की श्रद्धा का श्रद्धांतरण तो किया, पर साथ साथ में गुरु परिवार के नाम से वहां से गुरुदेव का अस्तित्व भी हटाया जा रहा है। जरूर धर्म का मंच है, धर्म का उपदेश है, और गुरु के नाम से ना कोई स्वरूप है, ना कोई गुरुदेव की आरती है, ना ही कोई गुरुदेव के लिए सद्भावना है, ना ही कोई व्यथा है। जिस आश्रम में आकर के हमको जीवन जीना सिखाए, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आने के बाद ही तो हमको पता लगा कि कब किस ऋतु में क्या करना है, क्या त्यागना है और क्या ग्रहण करना है। वो ज्ञान सामान्य ज्ञान है, वो भी ज्ञान हमने कहाँ से पाया? गुरु के दर से। साथ साथ में हमको वो ब्रह्म ज्ञान भी मिला, और उस ब्रह्म ज्ञान में हम जरूर अनुभव नहीं कर पाए हमारी छोटी मति के कारण, लेकिन फिर भी हम निराश ना हो, हम अपनी श्रद्धा के बल पे, भक्ति के सामर्थ्य के साथ गुरुदेव के श्री चरणों में आर्त भाव से प्रार्थना करते हुए कहेंगे कि गुरुदेव, जरूर आपके श्री चरणों में हमने भक्ति भाव के साथ अपना मस्तक झुकाया है, और ये आपके श्री चरणों में ही झुका रहेगा। आप हमें चाहे भव से पार करें, चाहे भव में डुबा दे, लेकिन एक बार हमने आपकी शरण ग्रहण कर ली है, फिर हम नहीं छोड़ेंगे आपके श्री चरणों। क्योंकि एक बार जब सद्गुरु आ जाते हैं जीवन में, और जब एक व्यक्ति लाभ ले पाता है, तो जरूरी नहीं है कि सभी के सभी इतना ग्रहण कर सके। एक क्लास में जब शिक्षक पढ़ाता है, कुछ कुछ विद्यार्थी बहुत शीघ्रता के साथ ग्रहण कर लेता है, और कुछ कुछ को रटना पड़ता है, घर जाकर के भी वो पाठ को पक्का करना पड़ता है, एक दिन, दो दिन, चार दिन, तब जाके वो समझ पाता है। ऐसे ही ये गुरु के दरबार में भी अलग अलग श्रेणी के शिष्य है। कोई शीघ्रता के साथ गुरु के संकेत को समझ लेता है, तो कोई अभ्यास से समझता है, लेकिन हम अपने अभ्यास को जारी रखें, हम अपने अभ्यास को कभी शिथिल नहीं होने दें। जब जब जैसे जैसे वो अभ्यास को जारी रखता है, वैसे वैसे उस मार्ग बनते जाते हैं। जब एक बार पुरुषार्थ करना साधक सीख जाता है, तब वो अपने पुरुषार्थ के बल पे अपने सद्गुरुदेव की कृपा को पचाने में भी वो शक्तिशाली बन जाता है। जब कुछ साधकों ने गुरुदेव से प्रार्थना पत्र लिखा और कहा कि पूज्य बापूजी, जब हम भारती बहन के सत्संग में जाते हैं ना, वहाँ पे उनके कुछ कुछ अनुयायी हैं जो हमें कहते हैं कि आश्रम क्यों जाते हो, क्या रखा है आज आश्रम में? बापूजी तो जोधपुर में है, तो जोधपुर क्यों जाते हो? वो तो जेल में है, जेल को प्रणाम करने से क्या मिलेगा? बड़दादा पे प्रणाम करने से क्या मिलेगा? एक पेड़ ही तो है। ऐसे करके साधकों की श्रद्धा को धूमिल करते हैं, गुमराह करते हैं। श्रद्धावान साधक जरूर है, लेकिन कई बार संग दोष के कारण वो मलिनता गिर जाती है, और उनको लगता है कि सही बात है, उनका ही परिवार है। चलो भाई, अभी बापूजी तो एकांत में है, बापूजी के बाद तो उनकी बेटी ही तो है। इस भाव से साधक चले जाते हैं, और जब जाते हैं तो वहां के कुछ लोग ऐसे भी है कि क्यों पहनते हो बापूजी का लॉकेट, गले में बापूजी का लॉकेट क्यों धारण करते हो? श्री जी का रखो, कल्याण होगा, हयात महापुरुष है, वो तो जेल में बैठे है। अरे क्या जाने वो गुरु की महिमा, जब लोभ वश अपने यश के लिए, अपने सम्मान के लिए जब वो लग जाते हैं, गुरु को भी नहीं सुनते हैं, ना गुरु के लिए दिल में स्थान धारण कर रखा है, ना ही गुरु के लिए कोई पीड़ा है। चलो गुरु ना समझे तो एक पुत्री का धर्म ही तो निभा ले, वो भी पीड़ा नहीं है। तब साधकों को बहुत ज्यादा व्यथा हुई, दुख हुआ। तब उन्होंने कहा कि आज हमको आश्रम से वहीं अपनी संस्था में ले जाते हैं, वहां लेकर के हमको कहा जाता है कि गले में गुरुदेव का स्वरूप नहीं धारण करो, वहां पे भी श्री जी को धारण करो। जब हमने दीक्षा किससे ली? पूज्य गुरुदेव से। और भक्ति का रास्ता हमको किसने दिखाया? पूज्य गुरुदेव ने। और हम प्रथम प्रणाम किसको करे थे?
गुरुदेव। और आज हम जरूर श्रीजो को आदर करते थे, प्रणाम करते थे, उनको बातों को हम समर्थन करते थे, लेकिन कब तक? जब तक वो पूज्य गुरुदेव के सिद्धांत में थे। जब उन्होंने पूज्य गुरुदेव के सिद्धांत को तोड़ा तो आज साधक भक्त भी कहते हैं कि हमारा भी कोई वहां पे वास्ता नहीं है, हमारा वही परिवार है कि जो हमारे गुरु के सिद्धांतों के साथ जुड़ा है। तो आज साधक सभी सावधान, कोई हमको आकर के कहे कि आपको वो महापुरुष भव से पार करे तो उस बात को मैं नहीं मानती, ना ही कोई शास्त्र की सम्मति है। एक बार एक गुरु करने के बाद अगर हम किसी और को गुरु करते हैं, गुरु का दिया वो मंत्र हम ठुकरा देते हैं और उस महापुरुष के पास जाकर अगर हम दूसरा मंत्र लेके है लेते हैं, ऐसे भक्त के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है। दो नाव में जब पैर रखते हैं तो वो किसी एक से भी पार नहीं होते। ऐसे ही जीवन में अगर हम किसी और को अपना गुरु का स्थान देते हैं तो वो जीवन जीवन नहीं बचता है, तो उस जीवन में फिर कष्ट आता है, मुसीबत आती है, पग पग पर पे विघ्न बाधा मुसीबतें आती है और उसका जीवन नरक भी बनता है। तो आज साधक एक एक साधक को सावधान कर रहे हैं कि अपने जीवन को गुरु की दिशा से, गुरु के मार्गदर्शन से, गुरु के कृपा से जुड़ करके, गुरुदेव के चिंतन से, गुरुदेव के सुमिरन से आज हम अपने जीवन को गुरुमयी कर दें। एक बार भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा के साथ यमुना जी में स्नान करने गए, पर कृष्ण का तो थोड़ा स्वभाव था चंचल, शरारती, कुछ भी हरकतें करते रहते थे, कभी किसको छेड़ दिया, किसी समय किसी को छेड़ दिया। फिर यशोदा मैया बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उन्होंने लाला से कहा, कृष्ण से कहा, छोटे से नन्हे से तो कृष्ण थे, उनको कहा कि देख काना, एक शर्त है मेरी तेरे साथ, अगर तू शरारती करेगा, तू हरकतें करेगा तो मैं तेरे को कभी यमुना जी नहीं ले जाऊंगी। तू न तो मेरी सुनता है न तेरे को अक्कल है, जब तू मेरी नहीं सुनेगा तो तू घर में बंद पड़ा रहेगा, लेकिन मैं तेरे को यमुना जी नहीं ले जाऊंगी। अब जितना छोटे बच्चे को हम रोकते हैं उतनी उसकी जिज्ञासा बन जाती है, तो माँ से प्रार्थना करने लगा, मनाने लगा माँ को, माँ कुछ भी हो जाए तू जो कहेगी ना वो मैं करूंगा, लेकिन तू मुझे ले चल, अपने साथ ले चल। फिर माँ का दिल तो माँ का दिल ही है, वो पिघल गई और कहती ठीक है, मैं जहाँ बिठाऊ ना वहीं बैठे रहना और जो कहूँ वही करना, कुछ भी तेरी बदमाशी नहीं चलेगी। तब कान्हा ने दोनों कान पकड़ के कहा, जी माँ तू जैसे कहेगी, जहाँ बिठाएगी वहाँ बैठूंगा, लेकिन मेरे को चलना है, ले चल। माँ दयावश ले गई, और वो कान्हा का वो स्वभाव, कुछ समय तक तो माँ की बातें याद रखी कि माँ ने कहा है, कुछ बोलना नहीं है, उनके कहे बिना कहीं जाना नहीं है, जहाँ बिठाए वहीं बैठे रहना है, ठीक है। किनारे पे पहुंचे यमुना जी के और माँ ने घाट पे बिठा दिया और कहा, यहाँ से आसन छोड़ना नहीं है। कान्हा कहता, जी माँ जैसे कहेगी वैसे ही करूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कान्हा बैठ गया, माँ ने स्नान किया, सारी गोपियों ने स्नान किया, फिर यमुना जी की उपासना करने लगी, ज्योत जलाई, आरती की, पूजा सामग्री चढ़ाई। उसके बाद जब ज्योत को यमुना जी को अर्पित करते हैं तब वो ज्योत बड़े सुंदरता के साथ बहने लगी। अब साक्षात परब्रह्म परमात्मा किनारे पे बैठा है तो कौन ज्योत चाहेगी कि हम बह करके नष्ट हो जाए। कोई नहीं चाहता कि हम परमात्मा से विमुख रहे, हम ईश्वर को पीठ दे। तब वो ज्योत पलट पलट के कृष्ण को देखने लगी, अपना मुंह कृष्ण की ओर करने लगी, जो घाट पे चुपचाप बैठे हैं, सजा मिली है कि कहीं जाना नहीं है, कहीं उठना नहीं है, यहीं बैठे रहना है, माँ का आदेश है। कृष्ण बैठा और जैसे जैसे दिया जाने लगे, बहने लगे, वैसे वैसे वो कृष्ण की ओर अपना मुख करके पुकारने लगे, अर्थ भाव से कहने लगे, बचा ले प्रभु बचा ले, तू सामर्थ्यशाली है, तू चाहेगा तो हम बच जाएंगे, हम में वो दम नहीं है, वो ताकत नहीं है कि हम बच जाए। गोपियों ने तो हमको बहा दिया, अर्पित कर दिया यमुना जी को। अब जैसे अर्थ भाव की पुकार वो दीपक हो गई,
वैसे वैसे कृष्ण से भी रहा नहीं गया, वो माँ से एक आंख छुपाकर वो खड़े हुए और हल्के हल्के पैरों को दबाते हुए वो किनारे पे पहुंचकर एक एक दिए को उठाने लगे। जिन जिन दियों का मुख था कृष्ण की ओर, उन उन दियों को उठा उठा कर अपने पास रखने लगे। जब दूर से माँ ने देखा कि जरूर ये बदमाश है, नहीं सुनता मेरी, आज भी वही बदमाशी की, हमने जो उपासना की, आराधना की और जो हमने समर्पित किया दिया यमुना जी को, वो उठा के कर दिया किनारे पे। अब वो बेचारी माँ क्या जाने कि उन दियों की क्या भावना है, क्या प्रार्थना रही होगी, और वो परमात्मा प्रेम के वश में बंध जाते हैं, फिर उनको विवश होकर भी वो कार्य करना पड़ता है। जैसे जैसे वो किनारे पे लगाने लगे, वैसे वैसे माँ को भी बड़ा गुस्सा आने लगा और वो दौड़ते हुए आई और कृष्ण को लगा दी एक थप्पड़ और कहती है कि मैंने कहा था तुझे कि तू शरारत नहीं करेगा, बदमाशी नहीं करेगा, कोई भी किसी भी प्रकार की हरकत नहीं करेगा, लेकिन आज तूने मेरी बात नहीं मानी। तब कृष्ण कहते हैं कि माँ नाराज मत होना, तू मुझे डांट मत, मैं क्या करूं, इन दियों की प्रार्थना है कि मुझे डूबने से बचाओ, हमें नहीं डूबना है, हमें आपके श्री चरणों में ही रहना है, हमें आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना है, सारी उपासना सारी आराधना तो आप ही से सफल होती है, तो आज आप हमको स्वीकार कर लो, इन दियों की प्रार्थना है, जिन जिन दिए का मुख मेरी ओर था ना, उनको मुझे बचाना पड़ा, विवश होकर बचाना पड़ा। तो माँ भी चुप हो जाती है और कहती है कि क्या कहूँ इसको, कि कौन सी मिट्टी से बना है कि इनको इन दियों की भाषा भी समझ में आती है। ऐसे ही न्यारे न्यारे भक्तों का भाव है, न्यारे न्यारे भक्तों का वो प्रेम है गुरु चरणों में, ईश्वर चरणों में, तो फिर गुरुदेव को भी वो आदेश देना पड़ता है और कई बार साधकों को सावधान करना पड़ता है, क्योंकि गुरुदेव की तो वो निराली दृष्टि है कि उनको तो जरे जरे में अपने परमात्मा की झाँकी है, ना उनको कोई शत्रु लगता है, ना उनके लिए कोई मित्र है, उनके लिए तो पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का विलास है। ऐसे महिमावान सद्गुरु की शरण को छोड़कर जब शिष्य को गुमराह किया जाता है, तब जिन जिन शिष्यों की वो मुख अपने गुरु चरणों में है, वो शिष्य आर्तभाव से गुरुदेव को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि बचा लो हमें इस बहुसागर में डूबने से, बचा लो गुरुदेव, हमारा मुख आपकी ओर है और जबरदस्ती हमको प्रलोभन देकर हमको गुमराह किया जाता है। तब वो साधक, समझदार साधक, जिन्होंने अपने गुरु की कृपा को बचाया, समझा है, पूर्ण नहीं तो कुछ अंश में ही समझा है, ऐसे साधकों की वो पुकार है और वो पुकार आज हम सबको सावधान कर रही है कि आज भी हम संभल जाएं, अभी भी हमारे पास समय है, हम संभल जाएं और गुरु चरणों में वो शीश झुका ले कि आज के बाद हमसे जो भी आज्ञा की अवज्ञा करने में हम विवश रहे, ना समझ के कारण हमने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं।